हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड से संबंधित एलडीसी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। एक नंबर प्रश्न है, कौन सा मोटर ट्राली परमिट प्रपत्र है? ऑप्शन एक TB 1425, ऑप्शन दो T 1525, ऑप्शन तीन T 1518, ऑप्शन चार TA 1425। दोस्तों, इसका सही आंसर है T 1525। T 1525 को मोटर ट्राली परमिट कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दो। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा गाड़ी संचालन पद्धति नहीं है? पहला ऑप्शन है ट्रैक मेंटेनर पद्धति, दूसरा ऑप्शन है पायलट गाइड पद्धति, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण ब्लॉक पद्धति और चौथा ऑप्शन है केवल एक गाड़ी पद्धति। दोस्तों, इसका सही आंसर है पहला, ट्रैक मेंटेनर पद्धति। ट्रैक मेंटेनर पद्धति गाड़ी संचालन पद्धति नहीं है, जबकि पायलट गाइड पद्धति, पूर्ण ब्लॉक पद्धति, केवल एक गाड़ी पद्धति गाड़ी संचालन पद्धति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है चर्च गेट मुंबई, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है हुबली और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। चौथा प्रश्न है दोस्तों, T 806 किस रंग का प्रपत्र है? एक नंबर ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है लाल। दोस्तों, T 806 का रंग नीला होता है, इसको संटिंग आदेश कहा जाता है। T 806 संटिंग में दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ERT को दिन में निकलने का समय क्या है? पहला ऑप्शन है 45 मिनट, दूसरा है 15 मिनट, तीसरा है 25 मिनट और चौथा है 30 मिनट। दोस्तों, इसका सही आंसर है 30 मिनट। ERT को दिन में निकलने का समय 30 मिनट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर छः। छठा प्रश्न है दोस्तों, T 1410 किस रंग का प्रपत्र है? पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है काला और चौथा है सफ़ेद। दोस्तों, इसका सही आंसर है काला। T 1410 काला रंग का प्रपत्र है, इसे संपूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अनुस्मारक सतर्कता आदेश पत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है TB 409, दूसरा ऑप्शन है T 509, तीसरा ऑप्शन है T 431, चौथा ऑप्शन है TA 409। दोस्तों, इसका सही आंसर है TB 409। TB 409 को अनुस्मारक सतर्कता आदेश कहते हैं, जबकि TA 409 नील सतर्कता आदेश। आठवां प्रश्न है, ऑन या खराब, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, लाल ऑल लिखा गया है। ऑन या खराब स्थिति में सिग्नल को पार करने का प्राधिकार कौन सा प्रपत्र देता है? पहला ऑप्शन है T 509, दूसरा है T 3693B, तीसरा ऑप्शन है T 3691 और चौथा ऑप्शन है T 431। दोस्तों, इसका सही आंसर है T 3693B। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या नौ। नौवा प्रश्न है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस श्रेणी की दुर्घटना है? पहला ऑप्शन है ए श्रेणी की, दूसरा ऑप्शन के श्रेणी की, तीसरा ऑप्शन है जी श्रेणी की और चौथा ऑप्शन है बी श्रेणी की। दोस्तों, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जी श्रेणी की दुर्घटना मानी जाती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जी श्रेणी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस। दसवां प्रश्न है दोस्तों, आग की दुर्घटना किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन है B1 से B4 कोट की, दूसरा ऑप्शन है A1 से A4 कोट की, तीसरा ऑप्शन है D1 से D4 कोट की और चौथा ऑप्शन है B1 से C4 कोट की। दोस्तों, इसका सही आंसर है पहला, B1 से B4 कोट की। आग की दुर्घटना जो है B1 से B4 कोट की दुर्घटना मानी जाती है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटरलॉकिंग रिमॉडलिंग मानक 4 में गाड़ियों की गति कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसका सही आंसर है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, चौथा ऑप्शन सही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ हैं? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा कपूरथला, तीसरा ऑप्शन है चितरंजन और चौथा है रामपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर है चितरंजन। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो है CLW, ये चितरंजन में है, ठीक।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।